fight, never quit, do it right. Play the game, win it life, have no shame. There's no time for the pain, with the grind, I could change. Jesse, though! Commit and climb, the only way to win it life. I never miss that fact, taking big shots, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. हमारी डेली रूटीन के बारे में, अभी सुबह के 6 बजे हैं और ये हमारी छोटी बेबी मान्यता जाग गई है और मैं उसको सुबह सुबह खिला रहा हूँ और ये गोदी में मैंने ले लिया है उसको। और इसी तरह मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। और ये हमारी बड़ी बेटी पीहू है और ये पॉपुलर खा रही है चाय के साथ। इसको सुबह जागते ही चाय चाय चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे पॉपुलर खाना है। और इसी तरह हम इसको पॉपुलर खिलाते हैं। और तो मैं आपको हमारी फैमिली के बारे में बता देता हूँ। मैं और मेरी मिसेज और मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, जिसमें मेरी बड़ी बेटी का नाम पीहू है और छोटी बेटी का नाम मान्यता है। हमारी पीहू अभी 2 साल की हुई है और ये छोटी वाली मान्यता 1 महीने की हुई है। और ये बहुत मस्ती करती हैं और इसके बाद टूथपेस्ट ब्रश की मदद से हम अपने दांतों को बहुत अच्छी तरीके से साफ करते हैं और मुंह धोते हैं। हमारे घर में ही एक छोटी सी किराना शॉप है और हमारे पापा जी ने किराना शॉप खोल ली है और ये हमारी मम्मी जी हैं जो कि झाड़ू लगा रही हैं घर के बाहर। और ये बच्चों की मस्ती शुरू हो चुकी है। अंदर आके अब चाय गर्म करके चाय पियेंगे और ये हमने कप में चाय छान ली है और हम इसको पॉपुलर के साथ चाय पी रहे हैं। दिन की शुरुआत हो और चाय ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? चाय से ही दिन की शुरुआत हो रही है। ये चाय के बहाने थोड़ा सा नाश्ता हो जाता है पॉपुलर के साथ और हम किराना शॉप में आए। और इसके बाद हमने देखा कि झाड़ू अभी नहीं लगा है, तो मैंने देखा कि झाड़ू वगैरह भी देख लेता हूँ और पीहू से बोला कि झाड़ू ले आओ और मैं झाड़ू लगा रहा हूँ अपनी शॉप पर। ये मैंने कुरकुरे वगैरह बाहर टांग दिए हैं और ये हमारी पीहू बेबी जो कि बहुत मस्ती करती है ये अंदर आ चुकी है और ये मस्ती भी कर रही है। मैं इसको बोल रहा हूँ कि साइड हो जाओ, मुझको झाड़ू लगाना है। और ये मैंने झाड़ू लगाया अपनी शॉप पर। भाई इसी के साथ आप लोगों को जैसे ही पीहू ने देखा तो वो आपसे हाय बोलने के लिए पास आ चुकी है। मैं उसको दूर कर रहा हूँ, फिर भी वो बोल रही है कि हाय दोस्तों। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहना। अब झाड़ू लगाने के बाद हम अपनी शॉप का काउंटर जो कि बहुत ही गंदा था और इसमें धूल भी लगी हुई थी वो हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा पानी लगा के अच्छा सा साफ किया। इसके बाद हमारे कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। ये हमारे दिन के पहले कस्टमर हुए जो कि कुरकुरे लेने आए थे ये बच्चे लोग और पातोस लेने के लिए भी आए थे। ये मैंने पैसे निकाल कर ये मैंने अपनी शॉप की पहली बोनी की। इसकी तो बात ही निराली है, धूप में आकर खड़ी हो गई है और मस्ती कर रही है बहुत। इसके बाद हम अपनी छोटी बेबी मान्यता को देखने चले गए जो कि सुबह होते ही वो सो गई है। और हमने देखा कि हमारी मैसेज जो कि हरीदा बना रही हैं और ये कढ़ैया में उनने अपना गुड़ का अधन रख दिया और ये कुछ ऊपर से गुड़ का मटेरियल वगैरह डाल दिए हैं और ये इसके बाद गर्म होके ये हरीरा बन जाएगा जो कि बहुत पसंद रहता है ठंड के दिनों में। और ये हमारी पीहू बेबी ऊपर छत पर सीढ़ियों से चलते हुए जा रही हैं और ऊपर जाके आप जानते ही हो कितना ऊपर जाके बहुत मस्ती और खेल कूद करेंगे
और ये छोटी बेटी मान्यता भी यहीं पर आ चुकी है और मैसेज के साथ मान्यता अभी एक महीने की है, इसलिए इसको तेल की मालिश रोज करनी पड़ती है। तो तेल की मालिश की तैयारी, सुबह सुबह हल्की हल्की धूप निकलने के बाद हम छत पर ले जाकर करते हैं। ये इसको मालिश हो रही है, ये हल्का हल्का तेल और इसकी साफ सफाई कर रहे हैं बाल में, और ये इसमें लोई वगैरह सर चेहरे पे फेर कर और इसको तेल मालिश करने के बाद पाउडर वगैरह लगाने के बाद और उसको तैयार कर देते हैं, जिससे कि उसको अच्छी सुस्ती आती है और हाथ पैर भी तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो ये हमारे छत से हमारे गांव का नज़ारा है, ये हमारे सामने वाली पट्टी है और ये बाजू वाला ये मकान दिख रहे हैं और ये हमारे सामने घर का इसके बाद हम अपनी शॉप पर बैठ गए हैं। इसके बाद हम ये बाल्टी पानी से भरकर फूल गमले में, जो कि हमारे छत पर गमले में हम लगाए हुए हैं भटा और मिर्च वगैरह के पौध, तो उसमें हम पानी डालने के लिए हमने ये बाल्टी भरी और ये हम पेड़ के पौधे में पानी दे रहे हैं। पीहू भी साथ में है। ये क्या है कि बहुत दिनों से हमने इनमें पानी नहीं दिया था तो ये मुरझा रहे थे, तो हमने बारी बारी से हमारी मिर्च के पेड़ और भटा के पेड़ और ये टमाटर का पेड़ भी हल्का सा लगा हुआ है तो उसमें हमने पानी दिया। इसके बाद दोबारा फिर से खाली हो चुकी बाल्टी को हमने फिर से भर के लाए और हमने दोबारा फिर से उसमें पानी दिया। ये बहुत से भटे लगे हुए हैं और ये इसमें फल भी निकल रहे हैं, तो हमने पानी दिया इनको। इसके बाद भाई हम छोटी बेबी मान्यता और नीचे हम लोग आ गए हैं, तो गोद में लेकर इसके साथ भी मैंने मस्ती की और अब इसी के साथ दोपहर हो चुकी थी, तो ये मैंने अपनी बड़ी बेटी पीहू को भी हमने नहलवाया और उसको तैयार किया और ये तेल पाउडर वगैरह लगा के उसको तैयार करके, पाउडर वगैरह भी ये बहुत अच्छे से लगाती है और इसका एक बड़ा बहुत शौक भी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बचपन से ही लड़कियों को रहता है लाली लगाने का, अपने होंठों पर ये लिपस्टिक बहुत ही शौक से लगवाती है और अगर इसको लाली मिल गई ना तो ये मान के चलो अपने पूरा मुंह लाल लाल कर लेती है। तो अब आ गई है पेट पूजा की बारी। अब हम लोगों ने इसको रोटी और दाल के साथ खिलाया तो ये इसने पेट भर के बहुत खाया। तो दोस्तों अब मैंने भी नहा लिया है और मैं भी तैयार हो कर के मैं खाना ले कर के मैंने खाना खाया
और आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बना था, इसका दाल चावल जो बहुत ही पसंद है मुझे और बहुत अच्छे से पेट भर जाता है इसमें। तो इसके बाद हम आ गए फिर अपनी शॉप पर। और दोस्तों ये हमारी पीहू भी हमारी शॉप पर मेरे साथ आ चुकी है और ये बहुत मस्ती करने के लिए यहाँ पर आती है। और अब शाम हो चुकी है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम आज शनिवार का दिन है तो पीहू और हम हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए हम दोनों जाते हैं। और ये हमने फूल बत्ती, तेल और अगरबत्ती उठा करके हम दोनों अब चल दिए हैं श्री हनुमान जी मंदिर। तो हम हनुमान जी मंदिर पहुंच गए हैं और ये हमारे इमलिया का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पहुंच करके पीहू हमारी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जोड़ के जोर जोर से बोलती है जय श्री राम जय श्री राम। और पीहू ने अगरबत्ती जलाकर मंदिर की परिक्रमा की श्री हनुमान दादा जी की। और ये हमने दिया जलाए और एक दिया हमने श्री हनुमान जी दादा जी के सामने रख दिया उनके नाम का, जो कि हर शनिवार के दिन हम दोनों जलाते हैं। और एक दिया हम पीपल की जड़ के पास रखते हैं और हम उनसे अपने जीवन की सुखद जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं और जय श्री राम कहकर हम उनके हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि सदा अपनी कृपा हम पर बनाए रखना, कभी जीवन में कोई भी दुख आए तो उस दुख को हमारी जिंदगी से दूर करना। और ये हमारी पीहू जय श्री राम बहुत जोर जोर से जय श्री राम बोलो नारे लगाती है। और हम दर्शन करने के बाद मंदिर से लौट आते हैं और घर पर खाना जो कि हमारी मिसेज ने बना करके रख लिया था खाते हैं। और खाना खाने के बाद हम अपनी पर आ चुके हैं और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूं। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसी तरह के और भी मेरे ब्लॉग देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी इस वीडियो में आपको जो भी वीडियो आपको पसंद आई हो उसके ऊपर आप कमेंट करें जिससे कि मैं और आपको नई नई वीडियो बना के। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल राजपाल के ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू एवं धन्यवाद।